जनपद के सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। विकासखंड पनवाड़ी के लोलारा निस्वारा में नहर का माइनर टूट जाने से किसानों की कई सौ एकड़ फसल नष्ट हो गई, जिसके चलते किसानों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक टूटी हुई नहर के हालात जस के तस बने हुए हैं। न तो अभी तक कोई अधिकारी न जाकर किसानों का हाल जाना है और न ही सिंचाई विभाग के अफसरों ने नष्ट हुई फसल का आकलन कराने जैसी कोई कार्यवाही की। कई सौ एकड़ फसल खराब होने के चलते किसान अब दाने दाने को मोहताज होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही को लेकर किसानों के बीच खास गुस्सा दिखाई दे रहा है। बम्बा नहर टूटी है, इसका क्या है? ये जो है 20 साल से ऐसी पानी बह रहा है, हमारे इस तरफ के 50 एकड़ जमीन से ऊपर वो नहीं पाते हैं, वो देते तो सड़ जाती है। नहीं तो इसकी शिकायत की आपने? हमने शिकायत कई बार अधिकारियों से की है लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। ये इसका मेन कारण है कि इसकी कैपेसिटी 3 फुट है और वहाँ से 5 फुट के लगभग आता है, ना गेट है ना पट्टी है। और सरकार अधिकारियों से मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जो है गेट और पट्टी बनवाई जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और इस वर्ष देख लो कि अभी आपके सामने पूरी फसल डूबी डूबाई चढ़ गई। जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी तब ये हिसाब से हमने उसको बोला था कि ये पानी इसमें बहुत ओवर आता है और अगर आप नहर से जो पानी यहाँ से आता है उसकी वहाँ पट्टी अच्छी कुछ बनवा दें तो इसमें नुकसान नहीं हुआ हम लोगों का। वो बोल रहे थे यस, लेकिन आज तक उनने कुछ किया ही नहीं। ये जब से पानी आया तभी से सर बह रहा है, आधे बुक चुके थे बोए हुआ है सड़ गए और जो रह गए वो बुब नहीं पा रहे पानी की वजह से। अब बोने से मतलब ही क्या बनता है, अब सड़ जाएंगे सब।